नमस्कार दोस्तों, ठंड में विंटर सीज़न में घुटनों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई भी काम हम करते हैं तो हमें चलना पड़ता है। दोस्तों, घुटने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जिसकी मदद से हम चलते हैं, अपना काम करते हैं। नी ज्वाइंट चार हड्डियों से मिलके बना हुआ होता है। ऊपर वाली हड्डी को हम फीमर बोलते हैं और जो हम हिंदी में कटोरी बोलते हैं उसी को हम इंग्लिश में पटेला भी बोलते हैं। और नीचे दो हड्डियाँ होती हैं, पहली हड्डी का नाम टीबिया होता है और उसके बगल में एक छोटी सी हड्डी होती है फिब्यूला। हड्डियों के अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं। नी जॉइंट्स इन्हीं हड्डियों से, मांसपेशियों से, लिगामेंट्स और कार्टिलेज से मिलके बनता है। दोस्तों, जब कभी इन हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम आती है या उनमें कोई दिक्कत होती है या मांसपेशियों में कोई दिक्कत होती है या जो घुटनों के आसपास जो कार्टिलेज है उसमें कोई दिक्कत होती है, लिगामेंट में कोई दिक्कत होती है या उसके आसपास और कोई स्ट्रक्चर है उसमें दिक्कत होती है तो घुटनों में दर्द होता है। दोस्तों, आमतौर पे हमारे बुज़ुर्ग घुटनों के दर्द से ज़्यादा पीड़ित होते हैं और उनको एक आम बीमारी होती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दोस्तों, घुटनों का दर्द सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण नहीं होता, इसके बहुत सारे और कारण हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं इसके कारण, उसके बाद मैं इसके लक्षण कि कैसा आपको दर्द होता है, चलने फिरने में क्या परेशानी होती है ये बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें घुटनों का दर्द क्यों होता है। दोस्तों, जो सबसे आम कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल के बीच में है तो कभी ना कभी आपको घुटनों का दर्द हुआ होगा। दोस्तों, ये है शुरुआत ऑस्टियोआर्थराइटिस की और ऑस्टियोआर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है और साइनोवियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो घुटनों की हड्डियों के बीच में रहता है और हड्डियों को एक दूसरे से टकराने से रोकता है। दोस्तों, जब साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है तो हड्डियाँ एक दूसरे से हल्की सी टकराने लगती हैं, घिसने लगती हैं जिसके कारण दर्द होता है। और दूसरी चीज़ कि हड्डियों में स्प्यूर हो जाता है, हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो दो कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरा जो आम कारण है, जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं या कभी खेलने चले जाते हैं, जैसे हम फुटबॉल खेलने लगते हैं तो हमारे घुटनों के जो आसपास की मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, उसमें काफ़ी खिंचाव होता है, तनाव होता है और इस खिंचाव तनाव के कारण मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और मांसपेशियों में दर्द होता है क्योंकि वो मांसपेशियाँ घुटनों के आसपास में हैं तो घुटनों में दर्द होता है। तीसरा जो आम कारण है वो है ACL टीयर, मतलब एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट टीयर। दोस्तों, ये लिगामेंट घुटनों में होता है और अगर ये फट जाता है पूरी तरीके से या आधा फट जाता है, टूट जाता है तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चौथा जो आम कारण है वो है नी इंजरी, मतलब आपका दोस्तों जो चौथा आम कारण है वो है नी इंजरी। आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप गिर गए हैं, नी में या नी के जो आसपास वाली बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है, चाहे वो हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो, चाहे वो लिगामेंट टीयर हो जाए, चाहे वहाँ पर मसल्स फट जाए तो आपके घुटनों में दर्द होता है। और लास्ट में कुछ बीमारियां होती हैं जिसके कारण हमें घुटनों में दर्द होता है। ब्रूसाइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट, गठिया बात के कारण भी हमें घुटनों में दर्द होता है। दोस्तों ये थे कारण। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। तो दोस्तों, जो दर्द है घुटने का वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी के कारण घुटनों में दर्द हुआ है या क्या कारण है जिसके कारण आपको घुटनों में दर्द हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो जब आप उठ के बैठते हैं या बैठ के उठते हैं तो बहुत तेज़ घुटनों में दर्द होता है और घुटनों का दर्द जो है वो नीचे के तरफ और पीछे के तरफ ज़्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को शुरुआत में उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, उसके बाद उनका चलना फिरना भी
दुश्वर हो जाता है, उसमें भी उन्हें तकलीफ़ होती है और दर्द होता है। दोस्तों, घुटनों का दर्द सिर्फ घुटनों के आगे ही नहीं होता, अगर आपके घुटनों के पीछे वाली साइड में भी दर्द होता है तो उसे भी हम घुटनों का दर्द बोलते हैं। घुटनों का दर्द मोस्टली चिलकने जैसा दर्द होता है, तो एकदम से दर्द होगा, चिलकने जैसा दर्द होगा, जब आप चलेंगे फिरेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, और आमतौर पर जब आप आराम करेंगे तो आपका दर्द आराम करेगा और दर्द भी कम होगा। दोस्तों, दर्द के साथ घुटने में सूजन भी हो सकती है, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और उसके कारण घुटने में दर्द है तो सूजन भी हो सकती है। ब्रूसाइटिस में भी घुटनों में सूजन होती है और काफ़ी सूजन होती है। दोस्तों, ये थे आम लक्षण घुटनों के दर्द के। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस आपको लेना चाहिए अगर आपके घुटनों में दर्द है। तो सबसे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, नी पेन कॉम्बिनेशन। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में 5 मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है कोलोसिंथ। दोस्तों, कोलोसिंथ जो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है घुटनों में, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और इस कॉम्बिनेशन में कोलोसिंथ मदर टिंचर में आपको यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस। दोस्तों, घुटनों के दर्द के साथ साथ घुटनों में अगर बहुत ज़्यादा सूजन हो तो अर्टिका यूरेनस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसको भी आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। तीसरी मेडिसिन है गुलथेरिया। दोस्तों, घुटनों के दर्द के लिए गुलथेरिया मदर टिंचर में यूज़ करना है। चलना फिरना अगर आपका दुश्वार हो जाए और बहुत तेज़ दर्द हो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, सूजन को भी ये कम करती है और दर्द को भी ये कम करती है। दोस्तों, चौथी मेडिसिन है ग्वायकम। दोस्तों, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट के लिए, गठिया और बात के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, घुटने के दर्द को ये कम करती है। दोस्तों, ग्वायकम को भी आपको मदर टिंचर में ही यूज़ करना है। लास्ट में आपको रक्सटॉक्स मदर टिंचर भी यूज़ करना है। दोस्तों, रक्सटॉक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर अगर बादल गरजते हैं या ठंडियों में घुटनों में दर्द होता है तो रक्सटॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों, ये 5 मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप से जाके लानी है, और 30 ml की फ़ाइल ख़रीदेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और SBL और WSI की फ़ाइल ख़रीदेंगे तो और अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसी होम्योपैथिक शॉप से आप 100 ml की खाली CC भी खरीद के ले आइएगा। इस 100 ml की खाली CC में ये 5 मेडिसिन आप बराबर मात्रा में मिलाइए, तो 100 ml में आप अगर मिलाते हैं तो 20-20 ml ये 5 मेडिसिन को आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसका ड्रॉपर लगाइए और CC का ढक्कन बंद करिए, और उसके बाद कम से कम 5 से 6 बार आप अच्छे से इसे हिला लीजिए। ये बन गया नी पेन कॉम्बिनेशन, बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है ये घुटनों के दर्द के लिए। मैं सालों से अपने क्लिनिक में यूज़ करता आ रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, 1/4 कप गुनगुने पानी को आप सबसे पहले लेके आइए, मतलब 10 ml गुनगुना पानी लेके आइए, उसमें 20 से 25 बूंद ये कॉम्बिनेशन डालिए, सुबह एक बार पीजिए, दोपहर में पीजिए, शाम को पीजिए और रात को पीजिए। तो 1/4 कप गुनगुने पानी में आपको 20 से 25 बूंद दिन में 3 से 4 बार ये कॉम्बिनेशन लेना है, पीना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको आराम 2 से 3 दिन के अंदर ही लग जाएगा। तो जो दर्द हो रहा है उसमें आराम लगना 2 से 3 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो वही 3 से 4 महीने लगेंगे, अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है तो 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन अगर सिर्फ आप गिर गए हैं और आपको हल्की फुल्की चोट है तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन है उसके बारे में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उस कॉम्बिनेशन का नाम है पेन क्लोज कॉम्बिनेशन। तो नी पेन कॉम्बिनेशन के साथ आप पेन क्लोज कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको पेन क्लोज कॉम्बिनेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सिर्फ इसमें मैं डोजेस बताऊँगा, तो आपको पेन क्लोज कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह पीना है, 2 बूंद दोपहर में पीना है,
दो बूंद शाम को पीना है और दो बूंद रात में पीना है। दो बूंद डायरेक्टली टंग में आप ले लीजिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेन क्लोज कॉम्बिनेशन नी पेन के लिए, अगर आप नी पेन कॉम्बिनेशन के साथ ये मेडिसिन लेते हैं। दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये दो मेडिसिन के साथ आप ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करिए। और ये मेडिसिन का नाम है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 19। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताया दोस्तों। 19 नंबर कॉम्बिनेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, नी पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैं ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन हमेशा दर्द के लिए पेशेंट्स को देते आ रहा हूँ। बायो कॉम्बिनेशन 19 नंबर ज़रूर यूज़ करिए। 6 गोली सुबह चूसना है, 6 गोली दोपहर में चूसना है और 6 गोली रात में चूसना है। ये मेडिसिन को भी आपको लगभग 3 से 4 महीने तक यूज़ करना है। दोनों मेडिसिन के साथ आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लास्ट में लगाने के लिए आप रूमाटोन ऑयल लगाइए, हैपडेको कंपनी का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रूमाटोन ऑयल का जो वीडियो है वो भी आपको लिंक में दे देता हूँ, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। दोस्तों रूमाटोन ऑयल आप दो बार लगाइए, एक बार सुबह लगा लीजिए और एक बार शाम को लगा लीजिए। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो अगर ये रूमाटोन ऑयल लगा के आप धूप में बैठते हैं और थोड़ी सी धूप सेकते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कभी भी दर्द होता है घुटनों में तो रूमाटोन ऑयल लगाइए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये चार मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं नी पेन के लिए तो आपके घुटनों का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और आपका नी पेन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।